तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त प्यासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच विचार थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केसो हाक रहे थे जी। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और आज से जो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं वो महाभारत पे, क्योंकि आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि आप महाभारत के गीता का ज्ञान यानी कि गीता को आप अपने घर में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके ज्ञान को अमल कर सकते हैं, लेकिन महाभारत को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का धारणा है या बहुत सारे लोग ये कहते हैं। मैंने दो लाइन अभी कविता पढ़ा महाभारत पे। हम ये भी जानेंगे कि महाभारत को लोग घर में क्यों नहीं रखना चाहते। महाभारत जो हुआ वो अपने ही भाइयों के बीच युद्ध हुआ, अपने भाई अपने ही रिश्तों के साथ युद्ध हुआ, अपने ही कुल के साथ युद्ध हुआ, अपने घर में ही युद्ध हुआ और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मैंने शुरू में ही एक पंक्ति बोला था, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार के साथ धनुष के साथ पैदल सैनिक कहां, कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। दो गुटों में लड़ाई था, पांडव और कौरव। अब दोनों गुटों के सम्मुख मैंने एक दूसरी पंक्ति पढ़ा, रक्त प्यासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। दुर्योधन के तरफ से पूरे सैनिक, अर्जुन के तरफ से यानी युधिष्ठिर के तरफ से, पांडव के तरफ से पूरे सैनिक एक दूजे के सम्मुख अड़े थे कि आओ ने बाबू ठोक ही देंगे, ये इधर वाला भी कि मैं तेरा रक्त ही पी जाऊंगा, उधर वाला भी बोल रहा है मैं तेरा रक्त ही पी जाऊंगा। और आप जानते भी हैं कि भीम ने जो है दुर्योधन को मार के, दुशासन को मार के उसके रक्त से जो है, क्योंकि उसका शपथ था कि ये पूरे युद्ध का, महाभारत का एक ही कारण था और द्रौपदी। लेकिन हम लोग इसको आज से जोड़ के समझते हुए आगे चलेंगे ईश्वर की खोज क्लास में। एक घर का, तो घर का अपने ही लोगों के साथ जो युद्ध हुआ, इसी वजह से महाभारत को जो है लोग अपने घर में नहीं रखते, लेकिन हमें रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोगों को यह लगता है कि केवल हमें वही व्यक्ति मंजिल का रास्ता बता सकता है जो मंजिल तक पहुंचा हो। बल्कि वो व्यक्ति हमें रास्ता नहीं बता सकता है जो मंजिल तक पहुंच नहीं सका। लेकिन मैं आपको दोनों व्यक्तियों की कहानी बता देता हूं। जो मंजिल तक पहुंचा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है पैदल ही के रास्ते से मंजिल तक पहुंचा हो, हो सकता है उसके पास सुविधा रहा हो, एरोप्लेन से भी वो मंजिल तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति असफल हुआ है, हो सकता है उसके पास एरोप्लेन की सुविधा ना हो तो उसने
पैदल ही मंजिल तक पहुंचने का कोशिश किया हो, और हो सकता है कि मंजिल के करीब आके मंजिल तक ना पहुंच सका हो, या हो सकता है कि समय से पूर्व वो मंजिल तक ना पहुंच पाया और समय के बाद वो मंजिल तक पहुंचा हो। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि केवल मंजिल तक पहुंचने वाला व्यक्ति ही आपको सही दिशा बता सकता है, बल्कि जो मंजिल तक नहीं पहुंच सका वो व्यक्ति भी आपको सही दिशा बता सकता है। उसी प्रकार महाभारत को ना जान के केवल महाभारत की कही सुनाई हुई बातों पे विश्वास करके, महाभारत को बिना पढ़े हम ये कहते कि वो गलत है, तो ये गलत बात हुई। हमें अपने घरों में महाभारत रखनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि आपसी मतभेदों का सही कारण क्या था। तो हम टॉपिक्स पे आते हैं, महाभारत की टॉपिक्स पे। ये तो मैंने आपको बताया कि महाभारत हमें पढ़ना चाहिए। टॉपिक्स पे आते हैं कि जब महाभारत स्टार्ट होने वाला था और दोनों तरफ के जो महारथी थे एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ओ मैं तुम्हें मार डालूंगा, पूरा क्रोधी। इस बीच अर्जुन के रथ को स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे इस युद्ध में जो जो भाग लिए सभी को देखना है और सभी को जानना है, क्यों नहीं? कहते हैं ना कि युद्ध होने से पहले हमें युद्ध का प्रशिक्षण करना चाहिए, तो वहां भी युद्ध का प्रशिक्षण करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मुझे इस युद्ध का प्रशिक्षण करना है, इसलिए दोनों सैनिकों के सम्मुख मेरे रथ को लाइए और मुझे देखना है कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। जबकि पता है उन्हें कि इस युद्ध में जो भाग लिए हैं वो सब मेरे अपने, इस युद्ध में जितने हैं वो सब मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण भी जान रहे हैं कि दुर्योधन के तरफ से जितने भी सैनिक हैं वो सैनिक किनके हैं, वो सारा सैनिक श्री कृष्ण के हैं। श्री कृष्ण ने अपना द्वारका से पूरे के पूरे सैनिक जो है दुर्योधन को दे दिए। श्री कृष्ण जान रहे हैं कि इस युद्ध में सारे सैनिक मारे जाएंगे। अब दोनों के बीच जब महान, इधर भी महारथी इधर भी महारथी, उन सैनिकों के बीच जब श्री कृष्ण रथ को लेके आते हैं और अर्जुन चारों तरफ देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, अपने ताऊ को देखते हैं, अपने पुत्र पौत्र अपने सगी संबंधी सभी को देखते हैं, कहते हैं उनका हाथ कपने लगता है कि मैं जिनके जिनके छाया में मैं पला बढ़ा, जिनके गोद में मैं खेला, उनके साथ मुझे युद्ध करना है, इस युद्ध में मुझे उन्हें मारना है। जिस गुरु ने मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम किया, उस गुरु के साथ मुझे युद्ध करना है। ये कैसे? जिस पितामह ने बचपन में मेरे साथ मस्तियां की, मुझे सभी भाइयों से अधिक स्नेह किया,
उस पितामह के साथ युद्ध करना है। ये क्या है केशव? केशव, भला मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? कोई भला अपने ही सगी संबंधियों को कैसे मार सकता है? वो भी केवल एक राज्य के लिए जहां के सम्राट बनना है। अपने ही भाई को मार दूं, जबकि वही द्वापर युग की बात करते हैं, थोड़ा सा कथा में द्वापर युग की बात करते हैं, जहां भरत ने, जिन्हें पूरा अयोध्या का वो सम्राट थे, मिल गया था, उसे तुच्छ समझ के ठुकरा दिया। बोला, ना बड़े भैया को रहते मैं क्यों राज्य करूं, इसका मुझे कोई लोभ नहीं है। और यही अपनों के लिए, अपनों को मारना है केवल राज्य के लिए। ध्यान से समझिएगा, जो लोग ये कहते हैं अक्सर कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें जरूर आप बताइएगा कि महाभारत पढ़ना चाहिए। आज की राजनीतिक से महाभारत को कैसे जोड़ा जा सकता है, यह आपको जानना होगा। कल भी उसी सीट के लिए युद्ध हो रही थी और आज भी सीट के लिए युद्ध हो रही है। अब यहां पे जो है, आज के नेता लोग आप देखे होंगे अपने लिए असिस्टेंट रखते हैं, ठीक है, पीए रखते हैं, अपने लिए पीए रखते हैं, उससे सलाह मशवरा हर कुछ राय लेते हैं। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को हम लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला मोटिवेशनल टीचर कौन? तो श्री कृष्ण। एक व्यक्ति ये कह के अपने धनुष को रख देता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है, कैसो, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत चुकाना पड़े। अगर दुर्योधन मुझे मारता है तो मारने दीजिए, अगर वो बाण चलाते हैं तो चलाने दीजिए, अगर ये पांच पांडव मर जाते हैं तो मरने दीजिए, पांच पांडव के मरने से इतनी सारी जान बच सकती है तो इसे बचा लीजिए। आज के लोग यही तो सोचेंगे कि अगर पांच जाने देने से इतनी सारी जाने बच रही है तो उन्हें बचा लेना चाहिए। आज के नेता यही सोचेंगे। अब इसके बाद जो उपदेश होती है वो गीता के उपदेश होती है, और हमें गीता का उपदेश जरूर सुनना चाहिए, लेकिन हम लोग इसे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।